हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद, कहा नवाज शरीफ ने हमेशा जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की। नैब नवाज शरीफ के साथ जो सलूक कर रहा है वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई के केसेस में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। पहले से तय था मुझे सजा देनी है, सजा दी नहीं, दिलवाई जा रही है, नवाज शरीफ का इल्जाम। कहा इमरान खान के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई, मेरे दामाद को गिरफ्तार करके पेश किया गया। साबिक वजीर आजम ने कहा अदालत का दोहरा मयार है, फैसले में वो लफ्ज इस्तेमाल हुए जो मुखालफीन करते हैं। शाही शरीफ खानदान वीआईपी हरबों से ट्रायल को किसी और सिमत ले जाना चाहता है ताकि करप्शन का मसला फरामोश कर दिया जाए, इमरान खान का ट्वीट। गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते यूरोप जाने वालों का अलमनाक अंजाम, तुर्बत में 15 अफराद अगवा के बाद कत्ल, 11 की शनाख्त हो गई, ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। लेवीज ने लाशें तुर्बत अस्पताल मुंतकिल कर दी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, स्ट्रीट क्राइम और जमीनों पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। स्ट्रीट क्राइम्स के लिए अलहदा अदालतों के क्याम के लिए कमेटी कायम, हाई प्रोफाइल केसेस बदीन की अदालतों में मुंतकली के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। सेक्रेटरी दाखला की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, मर्दमशुमारी के नतायज पर नई हल्का बंदियों और मुश्तरक मफादात काउंसिल के इजलास के फैसलों पर मुशावरत हुई। नवाज की तीमारदारी के लिए एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की 1 हफ्ते और मरियम नवाज की 1 महीने तक हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुसलसल गैर हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी करार, इस्तगासा की गवाह सिदरा मंसूर और जहांगीर अहमद का बयान रिकॉर्ड, समाअत 22 नवम्बर तक मुलतवी, 4 गवाहान तलब। चंद लोग इस्लाम के ठेकेदार बनकर आ गए, तहरीक लब्बैक ने अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। ये लोग न्याजी साहब से मिले हुए हैं, आयशा गुलालई का इल्जाम, इमरान खान के तहरीक लब्बैक के साथ शामिल होने की पेशगोई भी कर दी। जुड़वा शहरों में तहरीक लब्बैक का धरना 8वें रोज भी अवाम के लिए दर्द-ए-सर, वजीर कैट तारिक फजल चौधरी कहते हैं धरने से अवाम को तकलीफ हो रही है, मुज़ाकरात के लिए राजा जफरुल हक की सरबराही में कमेटी बना दी है। घर का किचन भी सरकारी खर्चे पर चलेगा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रिहायश जाती उमरा को भी वजीर आला पंजाब के कैंप ऑफिस का दर्जा दे दिया गया, अखराजात के लिए 57,25,00,000 रुपए मुख्तस। सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया, ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हुई, सुप्रीम कोर्ट बरहम, बड़े अफसरान को भी घर भेजें वरना छोटे अफसरान को भी बहाल कर देंगे, जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, सूबाई सेक्रेटरी दाखला और आईजी सिंध कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री तलब। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी के साबिक रुकन शब्बीर कायम खानी के घर में डकैती, डाकू नकदी जेवरात और दीगर कीमती अशिया ले उड़े। पसंद की शादी पर लड़के और लड़की के घर वाले चिराग्पा, मलीरकोट कराची में खूब मारपीट, 3 अफराद गिरफ्तार, अदालत का मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तर्जुमान वजीर आजम भी गाड़ी के टैक्स चोर निकले, महकमा एक्साइज ने लाहौर में मुसद्दिक मलिक की गाड़ी जब्त कर ली, कई बरस से टोकन अदा नहीं किया।
पंजाब के तालीमी इदारों की सिक्योरिटी नाकिस है। सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट में पोल खुल गया। हिफाजती इंतजामात बेहतर बनाने के अहकामात। पेशावर के इलाके यूनिवर्सिटी रोड से मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम स्कूल्स को धमाके से उड़ाने में मुलव्वस है। ताल्लुक कल अदम जमात से है। लाड़काना में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मुजरे सेहत खाना खाकर पुलिस एहलकार जां बहक। दो एहलकार तश्वीशनाक हालत में चांड का अस्पताल मुंतकिल। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में निजी स्कूल में तलबा पर वहशियाना तशद्दुद। पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा मीरा के लिए लाहौर की अदालत से आई अच्छी खबर। तंसीख निकाह केस का फैसला मीरा के हक में आ गया। अतीकुर रहमान शादी का सबूत नहीं दे सका। जज के रिमार्क्स। फैसले पर मीरा खुशी से निहाल। परस्तारों को गाना भी सुनाया। Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go قیام پاکستان کی طرح ملتان کچہری کے قیام کا فیصلہ بھی مبارک ہے۔ مفتی عبدالقوی کا ضمانت پر رہائی کے بعد تبصرہ۔ جیل میں گزرے ایام کو مطالعاتی دورہ قرار دے دیا۔ یہ بھی کہا کہ ملزمان کے اعتراف جرم کے باوجود تفتیش کو پیچیدہ کیا جا رہا ہے۔ جاڑا دھوم مچاتا آیا۔ اسلام آباد میں اولے پڑ گئے۔ پنجاب اور کے پی کے میں بارش کے بعد خنکی میں اضافہ۔ पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एटमी हमले के अहकाम का अख्तियार होना चाहिए या नहीं। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी में बहस। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी कहते हैं ट्रंप गैर मुतवाजन शख्स हैं। वो अमरीकी मफाद के बरअक्स एटमी हमले का हुक्म दे सकते हैं। ट्रंप का ये अख्तियार खत्म करने के मुसवदे पर काम जारी। بنگلادیشی مہاجر کیمپ میں روہنگیا مسلمانوں کا ابتر حال۔ خواتین کو اغوا کیا جانے لگا۔ امریکہ کا روہنگیا مسلمانوں کے لیے $47 کروڑ امداد کا اعلان۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ زمبابوے میں مارشل لا کیسی صورتحال۔ دارالحکومت حرارے کا کنٹرول فوج نے سنبھال لیا۔ سڑکوں پر گشت اقتدار نہیں سنبھالا۔ کاروائی جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے۔ صدر موگابے محفوظ ہیں۔ فوجی ترجمان کی وضاحت۔ جلا وطن نائب صدر کی بھی وطن واپسی۔ عوام سے پر امن رہنے کی اپیل۔ بلاول بھٹو کی سابق وزیر اعظم پر تنقید۔ کہا نواز شریف نے ہمیشہ جمہوریت کے خلاف سازشیں کی۔ نیب نواز شریف کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی کے کیسز میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے سے طے تھا مجھے سزا دینی ہے۔ سزا دی نہیں دلوائی جا رہی ہے۔ نواز شریف کا الزام۔ کہا عمران خان کے چار مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی۔ میرے داماد کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ سابق وزیراعظم نے کہا عدالت کا دوہرا معیار ہے۔ فیصلے میں وہ لفظ استعمال ہوئے جو مخالفین کرتے ہیں۔ شاہی شریف خاندان وی آئی پی حربوں سے ٹرائل کو کسی اور سمت لے جانا چاہتا ہے تاکہ کرپشن کا مسئلہ فراموش کر دیا جائے۔ عمران خان کا ٹویٹ۔ غیر قانونی طور پر ایران کے راستے یورپ جانے والوں کا المناک انجام۔ تربت میں 15 افراد اغوا کے بعد قتل۔ 11 کی شناخت ہو گئی۔ تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا۔ لیویز نے لاشیں تربت اسپتال منتقل کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ اسٹریٹ کرائم اور زمینوں پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا فیصلہ۔
स्ट्रीट क्राइम्स के लिए अलहदा अदालतों के क्याम के लिए कमेटी कायम, हाई प्रोफाइल केसेस बदीन की अदालतों में मुंतकली के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। सेक्रेटरी दाखला की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, मरदमशुमारी के नतायज पर नई हल्का बंदियों और मुश्तरक मफादात काउंसिल के इजलास के फैसलों पर मुशावरत हुई। कुलसुम नवाज की तीमारदारी के लिए एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की एक हफ्ते और मरियम नवाज की एक महीने तक हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुसलसल गैर हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी करार, इस्तगासा की गवाह सिदरा मंसूर और जहांगीर अहमद का बयान रिकॉर्ड, समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी, चार गवाहान तलब। चंद लोग इस्लाम के ठेकेदार बनकर आ गए, तहरीक लब्बैक ने अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। ये लोग न्याजी साहब से मिले हुए हैं, आयशा गुलालई का इल्जाम, इमरान खान के तहरीक लब्बैक के साथ शामिल होने की पेशगोई भी कर दी। जुड़वा शहरों में तहरीक लब्बैक का धरना 8वें रोज भी अवाम के लिए दर्देसर, वजीर कैट तारिक फजल चौधरी कहते हैं धरने से अवाम को तकलीफ हो रही है, मुज़ाकरात के लिए राजा जफरुल हक की सरबराही में कमेटी बना दी है। घर का किचन भी सरकारी खर्चे पर चलेगा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रिहायश जाति उम्रा को भी वजीर आला पंजाब के कैंप ऑफिस का दर्जा दे दिया गया, अखराजात के लिए 57 करोड़ 25 लाख रुपए मुख्तस। सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया, ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हुई, सुप्रीम कोर्ट बरहम, बड़े अफसरान को भी घर भेजें वरना छोटे अफसरान को भी बहाल कर देंगे, जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, सूबाई सेक्रेटरी दाखला और आईजी सिंध कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री तलब। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी के साबिक रुकन शब्बीर कायम खानी के घर में डकैती, डाकू नकदी जेवरात और दीगर कीमती अशिया ले उड़े।